Panda. I got broads in Atlanta. Chicks with the me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. So hello guys, के छ खबर? I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. And आज मसँग एकदमै इन्ट्रेस्टिङ न्युजहरू छ, त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला. र यदि तपाईँ अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि अलमा सेट गरिदिनु होला, अनि आफ्नो साथीहरूलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला. तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला, अहिले हाम्रो एफएफआइसी चलिरहेको छ, र एफएफआइसी होस् या जुनसुकै ऱ्याङ्क म्याच होस्, त्यहाँ 12 टिम हुन्छ, 12 स्क्वाड हुन्छ. र अहिले हाम्रो एफएफआइसीमा चाहिँ 11 टिम मात्र छ, किनकि फोर अनोन भन्ने टिमलाई डिस्क्वालिफाइड गरिदिएको छ गरिना फ्री फायरले, किनकि फोर अनोन टिमले रुल ब्रेक गरेको, त्यही भएर उहाँलाई डिस्क्वालिफाई गरिदिएको अरे. तर हेरौँ फोर अनोन टिमको क्याप्टेनले के भन्दैछन्, स्क्रिनमा हेर्नुहोस्. तो सबसे पहले तो ये गलत हुआ, मैच डे के दिन ही फोटोशूट इतनी दूर बुलाया गया मुझे. एंड गाइस, नंबर दो पे जब हमारी मॉनिटरिंग हो रही थी तब आप ग्रुप बना रहे हो हमारी टीम का, जो को मैंने लास्ट वीडियो में आपको सारा प्रूफ दिया है. आप मॉनिटरिंग के टाइम पे कैसे ग्रुप बना सकते हो? जो ग्रुप आपको दो दिन पहले बना लेना चाहिए या मैच डे से एक दिन पहले बनना चाहिए. सबसे पहली बात तो 19 फरवरी को स्टार्ट हो गए थे मतलब मैच, तो सभी टीम का ग्रुप बन जाना चाहिए था 18 फेब को, और हमारा 20 फेब को भी जब हम मॉनिटरिंग करा रहे हैं तब जाकर बन रहा है ग्रुप. ये सबसे बड़ी गलती है मैनेजमेंट की कि आप तब ग्रुप बनाओ जब बंदा मॉनिटरिंग करा रहे हैं. हम सामने मॉनिटरिंग करा रहे हैं, हम कैमरे में बैठे हुए, तो आपको कैसे रिप्लाई कर देंगे? और गाइस, सबसे बड़ी तो ये देखो आप कितना मतलब क्या किया इन्होंने, सिर्फ 2-3 मिनट इन्होंने वेट किया और ये ग्रुप छोड़ के भाग गए, लेफ्ट करके भाई चले गए ग्रुप. मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारा कुछ बताया, सिर्फ 3 मिनट इन्होंने ग्रुप बनाने के बाद वेट किया, एक मैसेज छोड़ा, उसके बाद 2 मिनट बाद एक मैसेज किया और सीधा ग्रुप छोड़ के चले गए. ये कौन सा सही बात है भाई? एंड मतलब ये क्या था? ये बंदा 2-3 मिनट तो अगर पानी पीने गया है तब लग जाएंगे, क्या हर टाइम बंदा फोन में घुसा रहेगा? बताओ, आप ही सोचो, अगर मतलब कोई बंदा पानी पीने गया है उसको भी 2-3 मिनट लग जाएंगे, कोई वॉशरूम गया है उसको 5 मिनट लग जाएंगे. आप सिर्फ 3 मिनट मैसेज करने के बाद सीधा ग्रुप छोड़ के चले गए, और हम तो वो टाइम पे मॉनिटरिंग करा रहे हैं. सो साथीहरू, तपाईँहरूले हेरिहाल्नु भयो कि फोर अनोन टिमको क्याप्टेनले के भन्दै हुनुहुन्छ, र फोर अनोन टिमको क्याप्टेनको कुरा सुन्दाखेरिमा गरिना फ्री फायरको गल्ती जस्तो देखिन्छ. तर हाम्रो स्काई लर्डले पनि एउटा भिडियो हाल्नुभएको छ युट्युब च्यानलमा, उहाँको कुरा सुन, तर उहाँको कुरा सुन्दा चाहिँ मलाई फोर अनोन टिमको क्याप्टेनकै गल्ती जस्तो देख्दैछु म. तर तपाईँहरूलाई के लाग्छ, यसो भिडियो हेरिदिनु होला र कमेन्टमा भनिदिनु होला कि गरिना फ्री फायरको गल्ती हो कि फोर अनोन टिमको गल्ती हो. अब यार देखो, हर कोई चाहता है कि फोर अनोन को जस्टिस मिले, बट बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ लोग सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर फोर अनोन का साइड तो सुन लिया पर किसी ने भी दूसरा साइड नहीं सुना. और तुम सब चाहते थे कि मैं फोर अनोन के लिए वीडियो बनाऊं, तो मैं बना रहा हूं, पर यहां पर मैं सिर्फ तुमको एक साइड नहीं दिखाऊंगा, मैं तुमको दोनों साइड दिखाऊंगा. और सब कुछ देखने के बाद तुमको डिसाइड करना है कि यहां पे हमको क्या करना चाहिए. और हाँ देखो, ये वीडियो हर एक बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है जो कल को टूर्नामेंट खेलने वाला है या फिर अभी वो खेल रहा है. तो चलो हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि फोर अनोन के डिस्क्वालीफाई होने का रीजन क्या है. चलो भाई देखो, अब मैं क्या करता हूँ. अब यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जिस दिन मैच था उसी दिन इसने फोटोशूट क्यों करवाया. पर जब सेम चीज मैंने गैरना से कांटेक्ट करके पूछने की कोशिश करी तो मुझे ये पता चला कि 13 को इस बंदे को फोटोशूट के लिए बुलाया गया था, और फिर उसके बाद इस बंदे को सेम नेक्स्ट डे 14 को अगेन बुलाया गया था, वहां ये एग्री हो गया था दिल्ली आने. बट जब गैरना ने डेड सोल को 14 को कॉन्टेक्ट किया तो उसने वहां आने से मना कर दिया. फिर उसके अगले ही दिन 15 को फिर से गैरना ने इस बंदे को कॉल किया कि भाई नोएडा में तुम्हारा ये फोटोशूट चल रहा है, आ जाओ. तो डेड सोल ने उस दिन भी मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा. और फिर उसके बाद अगेन ने 18 को उस बंदे को कॉल किया कि भाई तुम्हारा फोटो शूट है, तुम आ जाओ. फिर उसने 18 को भी मना कर दिया. तो तुम लोग खुद बताओ मैं कैसे सपोर्ट कर दूं इसमें. चलो ठीक, यहाँ तक ठीक था. पर उसके बाद गरीना ने अगेन इस बंदे को 19 को कॉन्टेक्ट किया फोटो शूट के लिए, बिकॉज कोई भी टूर्नामेंट है उसमें फोटो शूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है फोटो शूट. तब गरीना ने इस बंदे को बोला कि जो एड्रेस तुमने अपने रजिस्ट्रेशन में दे रखा है उस एड्रेस पे हम आ रहे हैं तुम्हारा फोटो शूट करने के लिए. तब इस बंदे ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस एड्रेस पर नहीं रहता हूं, मैं किसी हॉस्टल में रहता हूं. बट आप सबको पता है कि हॉस्टल में या फिर कॉलेजेस में यहां पर शूट करना पॉसिबल नहीं होता है. अब ये सब
गायब हो जाने के बाद गरीना ने इस बंदे को एक लोकेशन दी कि आप यहाँ तक आ जाओ, ये थोड़ा पास पड़ेगा। उस जगह का नाम था सहारनपुर। तब वहाँ पे गरीना ने डेडसोल को ये बोला था कि तुमको 11:30 बजे आना है। फिर उसके बाद गरीना ने उसको कब कॉल किया तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, 10:25 पे और 10:50 पे गरीना वालों ने उस बंदे को कॉल किया कि भाई तू कहाँ है। गरीना वालों ने जब होटल बुक किया था तब गरीना वालों ने 11:30 बजे का डेडसोल को टाइम दिया था, पर वो लेट आया क्योंकि उनको भी चेकआउट करना होता है, होटल से निकलना होता, तो वो निकल चुके थे। और गरीना की टीम होटल से जस्ट 15 मिनट दूर पे एक जगह है जहाँ पे टीम डी का बूट कैंप है, वहां पर जाकर टीम डी का इंटरव्यू ले रही थी और जो भी फोटोशूट होता है वो सब काम कर रही थी। और सेम उसी टाइम डेडसोल को भी वहां पर इनवाइट किया गया था कि भाई तुम यहां पे आ जाओ। पर यहां पर डेडसोल ने एक गलती कर दी, उसको 11:30 बजे बुलाया गया था पर वो उस जगह पर 1 बजे पहुंचा, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और वो 1 बजे पहुंचा और 2 बजे वहां से बाहर निकला, ना कि 3 बजे, 2 बजे। और इसका प्रूफ है फोटोज। और जो ग्राउंड टीम वहां पे गई थी और साथ में जो टीम वहां पर और थी, मतलब जो टीम डी की टीम थी, उसके प्लेयर भी जानते हैं कि 2 बजे खत्म हो चुका था सब कुछ। तो यहां पे अगर देखा जाए तो गलती किसकी है तुमको खुद समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। और नहीं, अब तुम खुद बताओ मैं ऐसे में किसी टीम का कैसे सपोर्ट कर दूं? जब बंदा खुद ही लेट हुआ तो मैं उस पर सपोर्ट नहीं कर सकता भाई, मेरे चैट पे आके स्पैम ना किया करो। अच्छा अब तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूं, डेडसोल के पास कैमरा भी है, ग्रीन स्क्रीन भी है। हां तुम यहां वीडियो में देख लो, भाई ने दोनों वीडियो में यूज किया है। तो हिसाब से अगर तुम सोचोगे तो इस बंदे को फोटोशूट की जरूरत ही नहीं थी, ये तो खुद ही फोटो क्लिक करके दे सकता था। इस बंदे ने नहीं दिया, यहां तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं चलता भाई? तुम इतने बड़े प्लेयर हो के इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? ये एकदम वही बात हो गई, घर में छोरा और पूरे शहर में ढिंढोरा, सबके सब चोर है साले। सो साथीहरु, स्काइलर्डको भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई फोर अननोन टिमको डेडसोलको गल्ती जस्तो लागेको छ, तर तपाईँहरूलाई के लाग्छ यसो कमेन्ट गरिदिनु होला कमेन्ट बक्समा। डिस्क्वालिफाईकै कुरा लिँदै हाम्रो स्काइलर्डले अर्को पनि भिडियो बनाउनु भएको छ कि डिस्क्वालिफाई भएको टिम एकचोटि डिस्क्वालिफाई भएपछि फेरि पनि अर्को FFIC या अरू कुनै गरिन फ्री फायरको टुर्नामेन्ट खेल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै एउटा भिडियो बनाउनु भएको छ, भिडियो स्क्रिनमा छ, हेरिदिनु होला। और अगर उसको वापस से अनबैन कर देगी तो उसके पूरे सिस्टम के ऊपर यही दाग लग जाएगा कि भाई देखो इतना बड़ा टूर्नामेंट था और वहां तुमने बिना मतलब एक प्लेयर को बैन कर दिया। तो ये बार एक बार नहीं 10 बार चेक करने के बाद किसी प्लेयर को बैन करते हैं, क्योंकि मैंने जितना पूछा तो मुझे इतना ही पता चला। और जो ये बैन करने वाला सिस्टम है वो इंडिया में है ही नहीं, इंडिया वाले बंदों को कुछ पता ही नहीं है कि क्या बैन होता है, क्या दुनियादारी होती है। तो इंडिया वाले बंदों के हाथ में ये है ही नहीं कि वो लोग रीचेक करके बता दें, वो लोग आगे जाके बोल सकते हैं कि भाई लो चेक कर दो, पर सिंगापुर वाले और जो भी इनकी टीम होगी बाहर की वो तो यही बोलेगी ना कि हाँ भाई हमने तो कर दिया। तो भाई ये बात तो भूल ही जाओ कि एक प्लेयर जो ऑफिशियल टूर्नामेंट से बैन हुआ है वो वापस से अनबैन होगा, इसके कोई चांसेस नहीं। क्योंकि रैंक जब होते हैं ना, जो रैंक सीजन होता है, अपडेट आती है जाती है, जो भी कुछ होता है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि हाँ तुम वापस बच सकते हो, पॉसिबिलिटीज रहती हैं। पर भाई देखो एक ऑफिशियल टूर्नामेंट में कोई चांसेस नहीं होते, अगर आप बैन हो गए तो वो फिर फाइनल डिसीजन है, उसके बाद तुम कितना भी रो लो, चाहे एक 10 मिलियन वाला यूट्यूबर गरीना के पास जाए या फिर एक 100 मिलियन वाला जाए, वो चेंज नहीं हो सकता कितना भी कोई ट्राई कर ले। इवन गरीना इंडिया के बंदे ऑर्डर भी देंगे ना सिंगापुर वालों को कि जाओ भाई अनबैन कर दो, मेरा दोस्त है, चाचा का लड़का है, भतीजा, तो भी अनबैन नहीं होगा वो बंदा भाई। जो भी लोंडे ये तुम नारे लगाते हो ना हर जगह सबकी चैट पे जाके, जस्टिस फॉर फलाना, जस्टिस फॉर धमाका, बंद कर दो, कुछ ही नहीं रखा है। देखो भाई वीडियो को जरूर से लाइक करके जाया करो, तुम लाइक नहीं करते फिर बड़ा बुरा लगता है कि यार देखो वीडियो को कोई लाइक ही नहीं किया इनको इतने सारे। सो साथीहरु तपाईहरुले स्काइलर्डको कुरा त सुनिहाल्नु भयो, सो साथीहरु स्काइलर्डको कुरा सुनेर तपाईहरुलाई के लाग्छ, फोन अन नोट गलत हो कि गर्न फ्री फायरको टिम म्यानेजमेन्ट गलत हो? मेक श्योर टु कमेन्ट गाइज। सो नेक्स्ट न्यूज चाहिँ रहेको छ साथीहरु हाम्रो एनपीजी गेमरबाट, उहाँ लिएर अहिले धेरै नै कन्ट्रोभर्सी। सो सबै ट्रोल पोस्ट र एक्सपोज भिडियोहरूलाई रिप्लाई दिँदै उहाँले एउटा भिडियो बनाउनु भएको छ, भिडियो स्क्रिनमा रहेको छ, इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। भोटे हो कि चेपाङ, मैले तँलाई किन अरे ब्लक गरेको? मलाई ब्लक गरेको छैन, यसले सानो कुरामा ब्लक गरेर आमाको छ भने त अन्डर नपरेको चेपाङलाई मैले अलरेडी वार्निङ दिइसकेको थिएँ कि सोल्टी कि त तँ मेरो पोस्टहरूलाई इग्नोर गर्दे र मेरो फोटोहरूमा हारियाट लभ रियाक्ट जे गर्नु छ गर्दे, नगर फुल इग्नोर गर्दे भनेर। तर तँ त टोटल गेमिङको फ्यान र यति भन्दा भन्दै पनि तँलाई मैले एक दुईचोटि वार्निङ दिँदा दिँदै पनि त बच्चा जस्तो बिहेभ गर्दछु भने हावा विदाउट लजिक बिना युट्युबमा एक्सपोज भिडियो बनाएर फ्युचरमा युट्युबर होइन कान्छा अरूको कुखुरा गाउँको कुखुरा चोर्थ्यो भनेर फ्युचरमा तँलाई मैले अरू कुरामा हेल्प गर्न नसके पनि एउटा साइकल र टोकरी चाहिँ गिफ्ट गर्नेछु कुखुरा व्यापारको लागि। एन्ड यसलाई मैले वार्निङ दिँदा दिँदै त्यो कुरा फेरि पनि रिपिट गरेपछि होइन यसलाई मैले ब्लक नगरेँ, एन्ड स्टिल तपाईँहरू चाहिँ मेरो नै गल्ती छ एन्ड मेरो नै एटिट्युड हो भने चाहिँ म केही पनि भन्न सक्दिनँ। अब कुरा गरौँ फेसबुक पेज अनि ग्रुपहरूमा भएको ट्रोल। हाम्रो नेपालमा गेमिङ च्यानल छोडेर न्युज च्यानलमा चाहिँ लाइक हामी दुईवटा मात्रै छौँ, एउटा हो नेप्ली सुटर एन्ड एनपिजी गेमर, र च्यानल एकदमै फास्ट पनि ग्रो भएको थियो हाम्रो नेपालमा न्युज च्यानलबाट। एन्ड त्यही हो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला कि केही टाइम अगाडि चाहिँ हाम्रो 100K सब्सक्राइबर कम्प्लिट भएको थियो हाम्रो भन्नाले
तपाईँलाई अब मेरो पनि भनिदिउँ होइन, मेरै हो भनिदिउँ होइन। तपाईँहरूले अहिले जति पनि फेसबुकहरूमा अनि फेसबुकको जिसीहरूमा पोस्टहरू देखिरहनु भएको हुन्छ, जबकि मेरो एक महिना अगाडि मेरो 100K सब्सक्राइबर कम्प्लिट भएको थियो, त्यो टाइममा ट्रोल गर्ने 100% भ्युअर्सहरूमा एन्ड 100% अडियन्सहरूमा 90%ले के मेरो लाइक भनौँ न 100K सब्सक्राइबर कम्प्लिट भयो, नेपाली कमेन्ट्री गरेर नेपाली अडियन्स राम्रोसँग उसले गेन गर्यो भनेर कङ्ग्रेट्स भने 90% भ्युअर्सहरू जसले पनि अहिले ट्रोल गरिरहेको थिएन उनीहरू थिएन कि, लाइक एउटा पनि पोस्ट देखेको थिएन कि अहिले मैले भनौँ न जतिले मेरो रोस्टहरू गरिरहेछ एक्सपोज गरिरहेको छ एन्ड भनौँ न एउटा पनि पोस्ट देखेको थिइनँ कि लाइक एनपिजीले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनौँ न। अनि मैले के लाग्यो भन्दाखेरि नेपाली अडियन्स राम्रो कुरालाई एप्रिसिएट गर्दैन कि, किन भन्दाखेरि त्यो पनि एउटा सानो भनौँ न एचिभमेन्ट त होइन नि कि 100K। र अहिले जब एक्सपोजको कुरा आयो, रोस्ट भिडियोको कुराहरू आयो, अहिले नेपाली अडियन्स होइन त्यो कुरालाई एप्रिसिएट गर्न छोडेर रोस्ट कुराहरूको चाहिँ बढी ट्रोल गरिरहेको छ क्या अहिले। र तपाईँहरूले यहीँबाट छुटाउन सक्नुहुन्छ कि लाइक राम्रो कुरालाई मान्छेहरूले कति एप्रिसिएट गर्छ नेपाली अडियन्स एन्ड नराम्रो कुरा भनेपछि कति पछाडि दौडिन्छ कि, अरूलाई हेट गर्न अरूको हेटर्सहरू झन् इन्क्रिज गराउन कति अगाडि छन् कि नेपाल। सो साथीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो? सो यस्तै यस्तै न्युजहरू थाहा पाउनको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला।